संत एक जगह लिखते हैं, पीव देखन का चाव है नित चरणन के पास, अब तो ऐसा होए रहो जो पाए तले की घास। अगर अपने प्रियतम भगवान को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपने आप को बहुत ज्यादा नम्रता में और प्रेम में रखना है। अपने बहुत ज्यादा अपना क्रेडिट नहीं मानना। ये एक भक्त का हृदय इस प्रकार से, एक भक्त का हृदय इसी प्रकार प्रेम से भरपूर होता है और अपने आप को बिल्कुल निम्नतम स्तर पर मानता है। उसका ये मिनिमम हो जाना, निम्नतम हो जाना ही उसको मैक्सिमम बनने के लिए एलिजिबल कर देता है। मतलब अपने आप को, अपनी हस्ती को वो पूरी तरह से मिटाता है, तो यही चीज उसकी उसे सबसे उत्तम बना देती है, सबसे महान बना देती है। गुरु की कृपा यही इसी में, इसीलिए भक्ति का इतना महत्व जो है बताया गया है। भक्ति का महत्व कि अगर हम, एक भक्त अपने आप को सबसे कमजोर समझता है, नीचा समझता है, अपने आप को पापी समझता है, और यही उसकी महानता है कि वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन अपनी निम्नता को छोड़ता नहीं है। ना कुछ होकर सब कुछ हो जाता है। एक स्त्री का भी भाव ऐसा ही होता है। जब एक नए घर में आती है, अपना पिता का घर छोड़कर, शुरू में उसे कोई महत्व नहीं मिलता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे महत्व देते हैं, लेकिन वही स्त्री अगर अपनी सेवा से, अपने प्यार से सबकी सेवा करती है, सबको रिझाने का प्रयास करती है, और अंततः वो पूरा घर उसके कंट्रोल में हो जाता है। ये अपने आप को मिटाने का डायरेक्ट परिणाम है जो कुदरत हमें देती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि अगर सचमुच कुछ बनना चाहता है तो अपनी हस्ती को मिटा दे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो बीज है मिट्टी में जब उसे गाड़ दिया जाता है उसके बाद ही वो खिलता है और गुले गुलजार होता है। उसके लिए ये जरूरी है कि पहले वो एक बार तो अपने आप को पूरी तरह से मिटाए। ये मिटाना आसान नहीं है। इस मिटाने में सबसे बड़ी चीज जो आड़े आती है वो हमारा अहंकार होता है। अहंकार वही चीज है जो हमें परमात्मा से अलग करती है। अहंकार वो पर्दा है जो हमारे आंखों पर डाला हुआ होता है और हमें परमात्मा से अलग करता है। इसलिए अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है परमात्मा से दूर रहने में, तो वो अपना अहंकार है। इस पर थोड़ी निगरानी रखी जाए। अगर आप अहंकार के प्रति सचेत हैं तो अहंकार ज्यादा पर नहीं फैला सकता और एकदम समाप्त ही हो जाता है। अहंकार केवल तब तक है जब तक हम उसके प्रति जागते नहीं हैं। अहंकार का मतलब क्या है? मैं अलग हूं, ये वाला भाव, मैं अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं भी कुछ हूं। अब आपसे भी पूछा जाए ये वाली बात, आप अपने आप को क्या समझते हैं, कितने महान हैं आप? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो पैर की जूती हूं, ऐसा वैसा। अगर कोई आपको सच में कहना शुरू कर दे अरे ये तो पैर की जूती है, हाउ डू यू फील? नहीं ना, हमारा मन मानेगा नहीं। हम खुद से कहें तो अलग बात है, लेकिन कोई सेम बात हमारे लिए कहे तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं करते। यही अहंकार है। तो अहंकार दिखाने के लिए अपना एक अलग रूप बना लेता है जो लोगों को संतुष्ट करने वाला हो। वास्तव में अंदर से अलग रूप होता है इसका।
ये भी इसमें भी बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है, इसलिए जहां जहां पे भी ये चीज नजर आए तो समझ दीजिए कि अभी व्यक्ति के अंदर जागृति की कमी है, अभी पूरी तरह से नहीं जागा। हाँ, जाग रहा है, कोशिश हो रही होगी, जरूर हो रही होगी, जागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी जागा नहीं है। यही चीज हमें, ये जागृति का मतलब क्या है, अपने प्रति अवेयर रहना, होश में रहना कि मेरे भीतर क्या घटना घट रही है, अपने रोम रोम के प्रति होश पूर्ण रहना, श्वास श्वास के प्रति होश पूर्ण रहना। जो होश में है, अपने प्रति जागा हुआ है, वो उसको ऐसी आदत पड़ जाती है, जागते जागते एक दिन जाग जाता है। हम बुद्ध पुरुषों को, जैसे भगवान बुद्ध को हम क्या कहते हैं, वो जागृत पुरुष हैं, वो जागृत पुरुष हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनके अंदर इतनी होश की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी अवस्था में उनका उनका जो मन है उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जो जागा हुआ है वो कभी ये नहीं कह सकता कि ऐसे ही मेरे मन ने अहंकार कर लिया या मन में गुस्सा आ गया, मैं तो करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, वो ऐसी बात कभी नहीं कह सकता। तो जागना, होश में रहना, बार 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 अपने आप को जगाना, होश का मतलब यही है, जिसे अपने बारे में, शरीर के बारे में होश सबसे पहले कि मैं, मेरा शरीर किस समय में क्या कर रहा है, दूसरा अपने मन के बारे में होश, मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, और तीसरा अपने भावों के बारे में होश, कौन से भाव उठ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना अवेयर है, इतना होश में है, तो वो जागा हुआ है, और जो जागा हुआ है वो हमेशा, वो जागना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। उसके जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं घटित हो सकता, जो भी होगा वो शुभ ही होगा, चाहे दिखने में कितना बुरा लगे। जो जागा हुआ है वही पाया हो, उसने ही सब पाया है। ये बात सिर्फ जागने के लिए, की सिर्फ सुबह उठ के जागने की बात नहीं हो रही, जागती तो दुनिया है, सुबह आंख तो दुनिया की खुलती है, लेकिन भीतर से, अंदर से कोई विरला ही जागता है जो पूर्ण होश में होता है, पूरी तरह। जब आप विचार शून्य होकर अपने प्रति होश से भरे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप जागे हुए हैं। इवन विचार चल भी रहे हों और आप उसके प्रति पूरी तरह अवेयर हों कि कहां पर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, तो आप जागे हुए इंसान हैं। और जो जागा हुआ है वही पाया हुआ है। ये होश ही हमारी आत्म जागृति एक दिन आत्म ज्ञान को उपलब्ध करा देती है। जिस दिन संपूर्ण जागृति घटित हो जाती है, उस दिन फिर कोई भी बेहोशी नहीं बचती, और जब बेहोशी नहीं बचती तो आप पूर्णता को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा इंसान फिर सोए हुए भी जागा ही रहता है, मृत्यु के समय में भी वो जागा ही रहता है, सोए हुए भी जागता है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वचन फरमाए, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति संयमी सा निशा, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब सब सारे संसार सो जाता है, तब जो संयमी है वो तब भी जागता है, और जब सारे भूत, सारे लोग, जब जिस समय में सो जाग रहे होते हैं, वो उस समय में सोता है। इसका मतलब है कि संसार के प्रति, आम लोग संसार के प्रति जागृत हैं, अपने प्रति सोए हुए हैं। लोगों के सबके बारे में पता है सिवाय खुद के, और जो जागृत है उसको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता है। बेशक वो संसार के बारे में नहीं जानता कि मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा के प्रति फुल्ली अवेयर है। बस यही चीज ज्ञान की ओर लेकर जाती है, यही चीज जागृति की ओर लेकर जाती है, और यही चीज आपको अलग करती है, यही चीज आपको विशेष बनाती है। एक दिन ये ज्ञान के ऐसे कपाट खुलते हैं कि फिर बेहोशी बिल्कुल नहीं बचती। जो जागा है
जो जागा है वही पाया है। तो मौत के समय में भी ये जागृति बहुत सारे लोगों को आ जाती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मौत के समय में भी परम ज्ञान घटित हो जाता है, मतलब जब एकदम बेहोशी ना बचे, अपने प्रति फुल्ली अवेयरनेस रहे। जैसे कई बार हम लॉस्ट हो जाते हैं बैठे बैठे, ना पता ही नहीं होता कि क्या हुआ। लोगों से पूछो मेडिटेशन में क्या हुआ, पता नहीं जी, कुछ समय तक तो पता था, उसके बाद कहीं चले गए, और कहां चले गए नहीं पता। जब तक ये बेहोशी है तब तक ये घटना घटित होती रहती है, और जिस दिन होश पूरी तरह से आ जाता है ये घटना समाप्त हो जाती है। जागृति जागृति जागृति, अपने प्रति होश, विचारों के प्रति होश, मृत्यु के प्रति होश। तो एक दिन वो होश परिपूर्ण, इतना होशपूर्ण हो जाता है कि रोम रोम होश से भर जाता है और पूर्ण जागृति घटित हो जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति को दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण जी को हम जागृत पुरुष बोलते हैं। डे वन से, पैदा होने से पहले भी उनको पता है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। हम भूले हुए हैं ना, हमें नहीं पता। जब अर्जुन पूछता है तो कहते हैं, अर्जुन तुझे नहीं याद लेकिन मुझे सब याद है कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मैं कब कब आया हूं। बस यही चीज उन्हें नारायण बनाती है, यही चीज वो कि वो नारायण है। और हम नर हैं इसलिए तब तक हैं जब तक हमारे भीतर बेहोशी है। तो इस बेहोशी को तोड़ना जरूरी है, अपने प्रति बेहोशी तोड़ें। संसार के प्रति तो दुनिया बेहोशी तोड़ के बैठी हुई है, सबको पता है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिसको सारी दुनिया के प्रति सारी अवेयरनेस है, अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर किसके साथ क्या कर रहा है, सबको सबके बारे में पता है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, सबके बारे में पता है। लेकिन अपने प्रति होश नहीं है कि मेरे मन में विचार जो आया था क्यों आया था, नहीं पता। बस जिसको ये पता है वो जागा हुआ है। इस जागृति की बात कर रहे हैं। शुरुआत कैसे होती है? अजपा जाप से। जो श्वासों के प्रति जागृत रह जाए, जो श्वास के प्रति जाग जाए, ये पहला स्टेप है। श्वास के प्रति जागा, धीरे धीरे ये जागृति इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने प्रति पूरी तरह जाग जाता है। क्योंकि श्वास को देखने वाला कौन, साक्षी कौन? अपने भीतर जो बैठा हुआ है, जो सबको जान रहा है, बस वही जागा हुआ है। और जो जागा हुआ है वही बुद्ध पुरुष है। जब तक वो जागा हुआ है, जितना वो जागा हुआ है उतनी मात्रा में बुद्ध पुरुष है। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो बुद्ध हो जाएगा, वो अभी बुद्ध हो रहा है, उसी प्रोसेस में है। अगर वो 80% जागा हुआ है तो वो 80% बुद्ध है। हम सब भी कभी कभी पूरी तरह जाग जाते हैं किसी ऐसे क्षण के अंदर जब एकदम अवेयरनेस होती है, तो सूरज उग जाता है ऐसा लगता है। दरिया सूरज उगया, चहुं दिसी भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सगल भरम का नाश। तो सूरज उग जाता है अंदर, ऐसा हो जाता है कि जैसे रोम रोम जागृत हो गया। वो जागृति अपने भीतर आनी चाहिए, मृत्यु से पहले ये घटना जरूर घटनी चाहिए। और इसके लिए ही मन में संकल्प लेने की जरूरत है कि हम यहाँ पर जागने आए हैं, जाग कर जाएंगे, अपने प्रति जरूर जागेंगे, होश की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने प्रति जागेंगे। जो अपने प्रति जागा है, अपने में वो एक दिन पाएगा कि अपने भीतर ही वो परमात्मा है, वो अलग कहाँ है, वही परमात्मा है, उससे अलग थोड़ी है परमात्मा। बस यही चीज आपको विशेष बना देगी, स्पेशल बना देगी, परमात्मा से मिला देगी। एक दिन आप सर्वस्व हो जाएंगे, जो कुछ नहीं है, जो ना कुछ है, वो सब में जाकर मिल जाएगा और सर्वस्व हो जाएगा। बस यही मैसेज था आज गुरुदेव ने जो देने के लिए फरमाया। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके भीतर होश की मात्रा बढ़ती चली जाए, दिन प्रतिदिन जागते चले जाएं, और एक दिन जागते जागते इतने जाग जाएं कि हम ही पूर्णतः पूरी तरह होश की घटित हो जाए, मृत्यु के समय भी होश पूर्ण रहें, रात्रि नींद के समय में भी जागृत रहें। ये बहुत बड़ी बात है, ये फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है अगर कोई नींद में भी जाग सकता है। इसी को समाधि बोलते हैं।
जो इसका मतलब है कि सोया है, शरीर सोएगा लेकिन जो अंदर से वो जागता रहेगा, यही समाधि है। संडे को इसकी क्लास होती है, कभी कभी देखना, प्रयास करके देखना। अगर इस कला को सीखना हो तो वो प्रयास होता है, बड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये होश घटित हो जाता है, जागते जागते जाग जाया जाता है। आइए प्रयास करते हैं जागने का। थैंक यू वेरी मच। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री।